कायद आजम के चंद अल्फाज तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं सुना दूं। ये वैसे तो पूरा आपको मिल जाएगा उस किताबचों के अंदर। टीबी के जब मरीज थे और आखिरी दिन थे जिंदगी के, लाहौर से मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, हमारे प्रिंसिपल होते थे इलाही बख्श साहब, उन्हें भी बुलाया गया था इलाज के लिए। और जो टीबी के अमराज के स्पेशलिस्ट थे प्रोफेसर रियाद अली शाह, उन्होंने फिर एक अपने इंटरव्यू के अंदर बताया कि उस वक्त के हालात क्या थे। हालत यह थी इतने कमजोर कि जरा दो चार जुमले बोलते थे तो सांस उखड़ जाता था। तो हमने पाबंदी लगा रखी थी कि आप गुफ्तगू ना करें। हम पास ही बैठे थे, कोई नई दवा हमने शुरू की थी तो हम उसके असरात देख रहे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि कायदे से बार बार जैसे उनकी जबान पर कुछ आना चाहता है फिर वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमने रोका हुआ है। तो हमने कहा यह अंदरूनी कश्मकश तो ज्यादा खराब करेगी। तो हमने कहा कायदे तो फरमाइए क्या फरमाना चाहते। अब ये जो फरमाया है वो सुन लीजिए। तुम जानते हो जब मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है। ये मुश्किल काम था और मैं अकेला इसे कभी नहीं कर सकता था। मेरा ईमान है कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज है कि पाकिस्तान वजूद में आया। इसके साथ ही जोड़ लीजिए 27वीं शब को नाजिल हुआ है ये पाकिस्तान, रमजान मुबारक की 27वीं शब लैलतुल कद्र में नाजिल होने वाला। अब ये पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वह उसे खिलाफत राशदा का नमूना बनाए ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को पूरी जमीन की बादशाहत दे। मैं हैरान होता हूं कि कायदे आजम के इल्म में वो अहादीस थी जिनमें हुजूर ने खबर दी है कि कयामत से कबल पूरी दुनिया में इस्लाम का निजाम कायम होगा। यह हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी हदीस है, सही मुस्लिम में है। हुजूर ने फरमाया इन अल्लाह ज़वालियल अर्द, अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को लपेट दिया। फराए तो मशारे कहा व मगारे बहा, मैंने उसके सारे मशरक भी देख लिए, सारे मगरब भी देख लिए। वह इन उम्मती सैब लोगों मुल्क हा माजोए अली मिनहा, और मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे अल्लाह ने जमीन को लपेट कर दिखा दी। ये हदीस मेहराम, ये तो अच्छे अच्छे उलमा के इल्म में नहीं है। इसलिए कि ये अहादीस जो हैं, अहादीस की किताबों के आखिरी हिस्से में बाबुल बलाहिम, बाबुल फितन, ये जो बाबुल आते हैं वो आम तौर पर उलमा उसकी तरफ तवज्जो देते ही नहीं। ये कथा हदीस है तो उनमें है। एक और हदीस में मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की है, हजरत मिक्दाद इब्न अलअसवद से, ला यबका अला ज़हरिल अर्ज़ बैत वबर वला बदर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमत अलइस्लाम। हुजूर फरमाते हैं कि जमीन पर न कोई घर रहेगा ईंट गारे का बना हुआ और न ही कोई खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। ये होना है।